रिटर्न माने क्या होता है, प्रॉफिट, जो आपको प्रॉफिट होने वाला है, अर्निंग होने वाला है, उसे क्या कहेंगे, रिटर्न। तो रिटर्न और रिस्क का रिलेशन है। पूछा जाता है कि रिटर्न और रिस्क का रिलेशन बताइए, रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न एंड रिस्क। तो रिटर्न और रिस्क का दो रिलेशन है, एक डायरेक्ट रिलेशन है और एक निगेटिव रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब हायर द रिस्क हायर विल बी रिटर्न, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न, हायर द रिस्क हायर विल बी रिटर्न। और दूसरा लो रिस्क लो रिटर्न, कम रिस्क तो कम रिटर्न, ये होता है डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। और एक होता है निगेटिव रिलेशन। निगेटिव रिलेशन का मतलब हाई रिस्क लो रिटर्न, रिस्क तो ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा है, बाकी रिटर्न कम है। तो ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहिए जिसमें रिस्क ज्यादा है बट रिटर्न कम है, ठीक है। बहुत सारा ऐसा बिजनेस है हमारे नज़र में, लगता है कि छोटे मोटे व्हीकल्स वाले लोग, बड़े व्हीकल्स नहीं, छोटे मोटे व्हीकल्स जिनका सेटिंग बड़ा जीरो लेवल पे है, उनका बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होता है, रिटर्न कम होता है। छोटे मोटे बड़े ट्रांसपोर्टर वाले लोग जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनका तो है, बढ़िया है, बट छोटे मोटे का मैं बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे जिनका रिस्क तो ज़्यादा है बट रिटर्न कम है। अच्छा, दूसरा लो रिस्क हायर रिटर्न, रिस्क तो कम है बट रिटर्न ज़्यादा है। जैसे गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट उठा लीजिए, ठेका ले लीजिए, रोड बनवाने का, ब्रिज बनवाने का, समझ पा रहे, तो इसमें रिस्क तो कम है क्योंकि गवर्नमेंट पैसा दे देगा, बट रिटर्न क्या है, ज़्यादा। इसे कहेंगे निगेटिव रिस्क। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या हम लोग समझ रहे हैं, रिस्क और रिटर्न का रिलेशन। तो दो तरीका का रिस्क और रिटर्न का रिलेशन है, एक डायरेक्ट रिलेशन और एक निगेटिव रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन माने हायर द रिस्क हायर विल बी रिटर्न, ज्यादा रिस्क तो ज्यादा कमाई। और दूसरा हम लोग का लो रिस्क लो रिटर्न, कम रिस्क है तो रिटर्न भी कम है। और एक होता है आपका निगेटिव रिस्क। निगेटिव रिस्क का मतलब होता है कि रिस्क ज्यादा है बट रिटर्न कम है, हायर रिस्क लो रिटर्न, रिस्क ज्यादा है बट रिटर्न कम है। और दूसरा क्या, लो रिस्क हायर रिटर्न, रिस्क कम है बट रिटर्न ज्यादा है, इसे क्या कहेंगे, निगेटिव रिलेशन। थैंक यू।